sir. Good morning, everyone. AS16 borrowing cost. कल वाले क्वेश्चन समझ में आ गए. तो अगर डेट ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है तो अपन बाई डिफॉल्ट क्या मानते हैं, पूरे 12 महीने का ब्याज जोड़ना है. और अगर डेट ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो उस डेट से कैलकुलेशन होगा. और वेटेड एवरेज का कल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना. अगर लोन 4 महीने के लिए है तो वेटेड एवरेज रेट में ऊपर ब्याज भी 4 महीने का आएगा, तो नीचे लोन भी 4 महीने का वेटेज करके लेना है. और जो भी है, आप जब भी आंसर निकालो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें. आपकी वेटेड एवरेज रेट जो आई है वो अलग अलग ब्याज की रेट जितनी भी है उसके बीच में ही होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं हो सकती. ओके. एंड स्पेसिफिक बोरोइंग के लिए रूल क्या है भाई, जितना खर्चा लगा बाई डिफॉल्ट कैपिटलाइज. पर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन में ये ट्विस्ट आ सकता है कि लोन ले लिया अप्रैल में, काम शुरू हुआ जुलाई में, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का ब्याज पीएनएल में जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा. हाँ, कल एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए. हाँ ना तो बोलो भाई. हाँ थोड़ा यूँ मेरे को लगा मैंने खुद को ही दिया था. कौन सा था भाई, थर्ड क्वेश्चन. तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज. हाँ, स्पेसिफिक बोरिंग्स वाला कितना कैपिटलाइज हुआ, 16,000 रुपये. और जनरल बोरिंग्स का बोरिंग कॉस्ट इनकर कितना हुआ, 138,000. कैपिटलाइज 775,517. ठीक है. और बाकी का डिफरेंस पीएनएल में चला जाएगा. और क्वेश्चन ने कहा है लास्ट में एक एंट्री भी करो, तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, फैक्ट्री बिल्डिंग डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कितना, 13 लाख रुपए. एंड टू बोरिंग कॉस्ट कितना, 91. हाँ 91 कैसे हुआ भाई, 75 और 16,000. हाँ जी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. एनी अदर आंसर्स, एनीवन टैलीज. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. बोरोइंग प्रोफाइल ऑफ संतरा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सेटअप फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स एट नवी मुंबई इज एज अंडर. तो 1 जनवरी को 15% ये डिमांड लोन लिख लो भाई, थोड़ा गायब हो गया दिखता है. तो 1 जनवरी को एक 15% का डिमांड लोन लिया है, 60 लाख रुपए का. किसके लिए लिया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए. और उसका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी था 8.33. हाँ, अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे सिर्फ ब्याज ही ब्याज आ रहा था. और AS16 ने बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनेशन में 5 चीज़ें लिखी थी, उसमें से एक ब्याज था, बाकी 4 तो अड़ोस पड़ोस वाले खर्चे भी थे, तो यहाँ पे वो भी आया है. तो ये भी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा. 1 जुलाई को 14.5% लोन लिया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए. 1 अक्टूबर को 14% बॉन्ड्स इश्यू किए हैं 50 लाख के लिए, अगेन 8% उस पर भी खर्चा आया. और ये भी पीपी. द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कंसिस्ट ऑफ कमीशन सर्विस चार्जेस फॉर अरेंजिंग द लोन एंड आर पेड आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट लैक्स. पेमेंट राउंड ऑफ करके देना है. दीज एक्सपेंसेस विल बी अमोर्टाइज्ड ओवर 5 ईयर्स. हाँ, ये जितना भी खर्चा हुआ ये पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का बोरिंग कॉस्ट नहीं है, ये 5 साल में अमोर्टाइज होगा. तो इसका मतलब इस साल के मैं बोरिंग कॉस्ट में कितना जोड़ूंगा, 1/5. हर साल 1/5 1/5 ये वाला खर्चा भी जुड़ेगा. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग असेट आर एज अंडर. एक स्टरलाइन मैन्युफैक्चरिंग शेड बनाया 10 लाख का, एक प्लांट एंड मशीनरी 90 लाख. अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी के लिए तो स्पेसिफिक लोन लिया हुआ है. एक अदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स 10 लाख के. प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड ऑन 1 जनवरी 2020 एंड इज रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन. शो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट. देखिए, स्पेसिफिक लोन तो एक है 40 लाख रुपए का. ये लोन कब लिया भाई, 1 जुलाई 2019 को. अच्छा, फिनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर ही मानना पड़ेगा इसमें भी. लोन जुलाई में लिया. और वो प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा किस दिन किया, डेट अगेन नहीं दी. ये सेम वैसा ही है जो कल अपन ने क्वेश्चन किया.
कल जो किया था ना फोर्थ, सेम वैसा ही है, बस नया पॉइंट इसमें क्या डाल दिया, वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी डाल दिए। पर खैर जो भी है, तो प्लांट एंड मशीनरी का 40 लाख का स्पेसिफिक लोन 6 महीने के लिए था, खर्चा पूरे 12 महीने हुआ, तो पूरे 6 महीने का ब्याज कैपिटलाइज हो जाएगा। बाकी दो लोन जो है वो जनरल वाले हैं, वेटेड एवरेज रेट निकाल लेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। शुरू करिए। ए पार्ट स्पेसिफिक बोरोइंग्स, हाँ स्पेसिफिक बोरोइंग्स में बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड एंड कैपिटलाइज्ड, उसमें इंटरेस्ट कितना, 40 लाख का लोन है ना भाई, क्या रेट पे, 14.5% इंटू 6/12 2.9 लाख, 2,90,000, या चलो अमाउंट में लिख देता हूँ पूरा, 2,90,000 इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। हाँ 40 लाख के लोन पे क्या खर्चा आया भाई, 5% कितना हुआ, 2 लाख रुपए। कितने साल में अमोर्टाइज करना है, हाँ पूरा 2 लाख मत जोड़ देना, 40,000 भी नहीं होगा, 6 महीने भी तो कौन ध्यान रखेगा, डिवाइड बाई 5 इंटू 6/12, ओके तो डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 1/5 इंटू 6/12 20,000 भाई। 5 साल का मतलब मैं थोड़ी, एक भाई 1 जनवरी आते ही आप 1 साल बड़े हो जाते हो, डेट ऑफ बर्थ से चलता है ना, बस यहाँ पे भी लोन जिस दिन लिया वहाँ से 5 साल। हाँ जी, तो बोरिंग कॉस्ट 3,10,000, अब वो जनरल बोरिंग्स की कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है। अच्छा जनरल बोरिंग्स में तो एक लोन तो 1 जनवरी को ही ले लिया पूरे साल के लिए, दूसरा वाला 1 अक्टूबर को लिया है 3 महीने के लिए, तो वापस वो टाइम वेटेज कल वाला स्टेटमेंट थोड़ा बनाना पड़ेगा। देखें बी पार्ट जनरल बोरोइंग्स, हाँ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, हाँ इस बार थोड़ा सा एक कॉलम एक्स्ट्रा और बनेगा, वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी जुड़ेंगे ना वेटेड एवरेज रेट निकालने, तो एक मिनट देख लीजिए भाई। हाँ लोन अमाउंट, पहला लोन कितने का भाई, 60 लाख, दूसरा लोन 50 लाख, हाँ टाइम का वेटेज, पहला लोन 12 महीने, दूसरा लोन 3 मंथ्स, तो वेटेड लोन अमाउंट 60 लाख, 50 लाख इंटू 3/12 1250, टोटल हो गया ये 72.5। नाउ इंटरेस्ट कॉस्ट, हाँ ये 60 लाख पे क्या रेट है भाई, 15% से, एक मिनट एक कॉलम और रेट का, 15% कितना, 9 लाख्स, और इस पे कितना परसेंट है, 14%, 175, ये तो हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट। देन आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, फिर जाकर के इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, बोरिंग कॉस्ट। हाँ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पहले वाले लोन पे 60 लाख पे 8.33% कितना होता है, 5 लाख, 8 1/3 हुआ ना, 4,99,000, मतलब 5 लाख रुपए, कितने साल में अमोर्टाइज करना है, 5 साल में, और इस साल पूरे 12 महीने, कितना होगा, 1 लाख रुपए, तो ये हो गया 10 लाख।
हाँ, दूसरे वाले लोन का 50 लाख पे क्या रेट है? 8%, 4 लाख हुआ, 1/5 × 3/12, 0.2, तो ये हो गया 1.95। आप चाहें तो क्या कर सकते हो, इसके प्रेजेंटेशन में सुनिए, तो लोन नंबर 1, लोन नंबर 2, हाँ आप एक लाइन बीच में खाली छोड़ दीजिए, क्यों इसकी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं। ये 1 लाख कहाँ से आया, तो ब्रैकेट में लिख लो भाई, 60 × 8.33 × 1/5 × 12/12, और ये वाला कैसा आया, 50 लाख × 8% × 1/5 × 3/12, मैं ताकि ये दिखता रहे 20,000 कहाँ से आया। बना लो अभी स्टेटमेंट। यस सो गेट द कैपिटलाइजेशन रेट 11.95 upon 72.5 × 100। आपको यार ये क्या हो गया, ये 15 और 14 के बाहर चला गया। हाँ, वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के चक्कर में। मैं बाकी कल मैंने कहा था ना, ये रेट हमेशा इसके बीच में ही आनी चाहिए, वो बाहर इसलिए आ गई क्योंकि ये खर्चा और ऐड हो गया। अब हाँ, तीन एसेट्स है भाई, एक तो शेड, एक प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स। एक्सपेंडिचर शेड पे कितना किया भाई? 10 लाख। हाँ, कब किया दिया हुआ नहीं है, तो पूरे 12 महीने मान लूँ, इसमें 90 लाख रुपए का, ये भी 12 महीने के हिसाब से कंसिडर कर लूँ, और लास्ट वाले में 10 लाख, ये भी 12 महीने के हिसाब से, एक्सपेंडिचर टाइम वेटेज वेटेड एवरेज लेस स्पेसिफिक बोरिंग्स। हाँ, स्पेसिफिक बोरिंग इसमें 40 लाख रुपए की थी 6 महीने के लिए, तो 20 लाख माइनस हो जाएगा, तो बैलेंस एक्सपेंडिचर 10 लाख, 70 लाख, 10 लाख, तो बोरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 16.48%। वन पॉइंट सिक्स फोर एट लैक्स
53 और 1.648। अच्छा ज़्यादा ही आना है भाई, इन तीनों की जोड़ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना। ज़्यादा क्यों आनी है? लोन कितने का हो गया? 10, 70 और 10। आप टोटल कितने पे ब्याज जोड़ रहे हो? 90 लाख पे। और ये जो रेट निकाली है इसमें डिनोमिनेटर कितना है? 72 लाख्स। मतलब लोन तो आया 72 लाख्स का। 72 लाख्स पे अगर आप 16.48 लगाओगे तो 11,95,000 ही आएगा, पर आप 90 लाख पे लगाओगे तो ज़्यादा आना ही है। और AS क्या कहता है? जो बोरोइंग कॉस्ट आप इस कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करके कैलकुलेट करोगे ये आपके एक्चुअल ब्याज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल ब्याज से ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस में होगी? जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और लोन कम है। तो देयरफॉर बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, हाँ जी, 11.95 किस रेशियो में? 1:7:1, 3:8, 9.294 एंड 1.328। तो एक ही एसेट होती है ना, तब तो पहले ही पता चल जाता है। जैसे मान लो इसमें एक ही एसेट होती है 70 लाख और लोन है 72 लाख्स, तो ऑफकोर्स 70 लाख पे जब आप 16.48 लगाओगे वो एक्चुअल ब्याज से कम ही आएगा। पर जब खर्चा ज़्यादा है लोन कम है तो ऑब्वियसली आप जो रेट से अप्लाई करोगे वो अमाउंट ज़्यादा आएगा, और इतना कैपिटलाइज कर नहीं सकते क्योंकि ब्याज पे तो क्या है 11,95,000 और कैपिटलाइज कर दो आप 13 लाख, तो वो हो नहीं सकता। तो इसको वापस रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हो गया भाई? एग्जाम में खैर ये ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, ये सबसे फाइनल वाले हैं। एग्जाम में जो आया और जो कल आपने होमवर्क में किया, हाँ, डेट वाइज, ठीक है, तीन तीन एसेट वाला नहीं आया है, और अभी तक ये अलग अलग डेट ऑफ लोन वाला तो आया ही नहीं है। पर दिमाग में रहना चाहिए, अगर लोन 6 महीने 3 महीने के लिए था तो डिनोमिनेटर में भी उसका वेटेज चेंज होगा। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। हाँ, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, 2 या 3 बार मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ लिया। ऑन 20th April 2018 JLC obtained a loan from bank of 50 lakhs to be utilized as under फैक्ट्री शेड में 20 लाख, मशीन में 15 लाख, वर्किंग कैपिटल में 10 लाख, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक 5 लाख, टोटल हो गया भाई 50 लाख। तो 50 लाख का लोन लिया और ये चार जगह इन्होंने ये खर्चा किया, एक ही लोन चार अलग अलग एसेट्स में। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मना थोड़ी है, स्पेसिफिक लोन ले, जैसे डिबेंचर इशू किए, प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि डिबेंचर के जो 50 लाख आएंगे या 100 लाख आएंगे उससे मशीन इतने की खरीदेंगे, ये इतने की खरीदेंगे, ये इतने की खरीदेंगे, यानी कि एक ही स्पेसिफिक बोरोइंग चार एसेट्स में काम आ रहा है। उसमें से ऐसा भी हो सकता है एक दो क्वालिफाइंग एसेट है, एक दो नॉन क्वालिफाइंग है। तो जब 1:1 पता है कि ये वाले लोन में से 50 लाख में से 20 लाख शेड में यूज़ हुआ, तो 20 लाख का ब्याज तो शेड में चला जाएगा, 15 लाख का ब्याज मशीन में चला जाएगा, एंड सो ऑन। In March 19, construction of shed was completed and machine was installed. Loan लिया कब भाई? 20 अप्रैल 2018 को।
और ईयर एंड मार्च 19 में जाकर के क्वेश्चन कह रहा है शेड रेडी हो गया, मशीन का इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो गया, तो आप कहेंगे 11 महीने और 10 दिन लगे हैं, एक साल तो लगा नहीं है। हाँ आंसर ये मत लिख दिया जाना 12 महीने नहीं है, इसलिए नो क्वालिफाइंग असेट, सब पेनल में जाएगा। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है तो कुछ तो आप भी मेहनत करके आओ, तो हम मान के चलेंगे नहीं 11 महीने 10 दिन भी मोर और लेस 12 के पड़ोस वाला ही है सब्सटेंशियल। और वैसे भी एस क्या कहता है, सब्सटेंशियल पीरियड फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस ऑफ केस मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। डिलीवरी ऑफ ट्रक वॉज नॉट रिसीव्ड, हाँ वो ट्रक का एडवांस तो दिया हुआ, उसकी डिलीवरी अभी तक आई नहीं है। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फॉर द ईयर मार्च 19 वॉज 9 लैक्स, शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर AS 16। देखिए 50 लाख के लोन पे 9 लाख का ब्याज लगा है। अच्छा अब ये 9 लाख के ब्याज को इन चारों में बांट देंगे किस रेशियो में, एक्सपेंडिचर 20, 15, 10 और 5। हाँ इन चार में से कौन कौन सी आपके हिसाब से क्वालिफाइंग असेट है और कौन सी है ही नहीं। फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्शन मार्च में जाके कंप्लीट हुआ, परचेज ऑफ मशीन क्वालिफाइंग है कि नहीं है। तो देखिए मशीन खरीदी, उसका इंस्टॉलेशन क्वेश्चन कह रहा है मार्च में जाके कंप्लीट हुआ, तो अगर वो नेसेसरी टाइम था, एक तो था पड़ी रहने दो अभी मार्केट में डिमांड ही नहीं है इंस्टॉल करके क्या करेंगे, जबरदस्ती लगा दिया, तब तो नॉन क्वालिफाइंग रहेगी। पर अगर वो नेसेसरी था कि इतना टाइम लगना ही था इंस्टॉलेशन में, तब तो क्वालिफाइंग हो जाएगी। अच्छा तो अजम्पशन लिख देंगे अपन, हाँ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जनरली सैलरी ये वो सब देने में काम आती है, नॉन क्वालिफाइंग। एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, हाँ ट्रक तो आप कहेंगे नॉन क्वालिफाइंग ही होता है, वो कब से क्वालिफाइंग होने लग गया, पर सुनो भाई हमने एडवांस दिया 20 अप्रैल को, ईयर एंड तक अभी भी ट्रक की डिलीवरी नहीं आई। मतलब पॉइंट इज कब परचेज्ड एसेट, देखिए कंस्ट्रक्टेड एसेट में तो आप कह सकते हो बनाने में इतना टाइम लगता है, खरीदने वाली एसेट्स कब क्वालिफाइंग होती है। एक तो एग्जांपल आपको समझ में आया, मशीनें ले ली हमने पर इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लगता है क्वालिफाइंग। दूसरा एग्जांपल, हम मशीन का ऑर्डर देते हैं, सप्लायर बोलता है आज ऑर्डर दोगे, पैसे आज जमा कराओगे, 2 साल बाद डिलीवरी मिलेगी। हाँ जी, और इंस्टॉलेशन तो आते ही अगले दिन रेडी है, बस मशीन ला के रखनी है रेडी फॉर यूज, बट आज ऑर्डर देते हो 2 साल बाद डिलीवरी मिलेगी। हाँ अच्छा, ऑर्डर देने से पैसे नहीं लगते भाई, ऑर्डर के साथ उन्होंने का पैसे भी जमा कराने पड़ेंगे, तो समझिए इवन परचेस करने में भी क्या हो रहा है, दो दो साल लग रहे हैं, इट बिकम्स क्वालिफाइंग असेट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक एयरक्राफ्ट बनाने में 2 साल लगते हैं, तो बोइंग के लिए वो इन्वेंट्री है, पर 2 साल लगते हैं तो क्वालिफाइंग असेट हो गई। अब आपने ऑर्डर दिया भाई एक एयरबस भेज देना, उन्होंने कहा ठीक है साहब आपने ऑर्डर दिया है अब बनाना शुरू करेंगे, 2 साल लगेंगे, एडवांस भेज दो। आपने 50 करोड़ एडवांस भेज दिया, 50 करोड़ आपने आज भेजा, ब्याज का मीटर चालू। हाँ बोइंग मिलेगा कब आपको, 2 साल बाद, तो ऑब्वियसली खरीद रहे हो आप नहीं बना रहे हो, बट इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कम्प्लीट क्वालिफाइंग असेट। और ऐसा है, आप बड़ी बड़ी कंपनियाँ देख लो, L&T ऑर्डर बुक 3 साल, 3 साल की ऑर्डर बुक का मतलब आज से अगले 3 साल के ऑर्डर उनके पास में रेडी है, मतलब आज आप ऑर्डर दे रहे हो डिलीवरी देगा 3 साल बाद, तो आप तो खरीद रहे हो बट सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है। एक और इजी सा एग्जांपल, कोई बिल्डिंग बन रही है, आपने उसमें फ्लैट बुक करवाया रहने के लिए, बिल्डर ने बोला 2 साल बाद पोजेशन दूंगा, और आप हर महीने उसको किस्त दे रहे हो, आप तो खरीद ही रहे हो, बिल्डिंग वो बना रहा है, आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो, आपके लिए परचेज्ड असेट है, एक्वायर्ड है, बट एक्वायर करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 साल, इट बिकम्स अ क्वालिफाइंग असेट। अब यहाँ पर आप कहेंगे हमने ट्रक के लिए एडवांस दिया, ये ट्रक दे ही नहीं रहा है। हाँ अगर नेसेसरी है तब तो क्वालिफाइंग। और एक वो हमने एडवांस दिया था 5 लाख, वो कंपनी वाले का रोज़ फ़ोन आ रहा है बाकी के पैसे जमा कराओ और ट्रक ले जाओ, आपने कहा अभी सोच रहे हैं रुको, ठीक है वो नेसेसरी वाला नहीं हुआ, ज़बरदस्ती वाला हो गया, बाकी के पैसे नहीं है अब दे कहाँ से, तो उससे वो क्वालिफाइंग नहीं हो जाता। और अगेन क्वालिफाइंग है कि नहीं है कब डिसाइड होगा, फर्स्ट डे,
उसी दिन ठप्पा लगा दोगे, क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग, ठीक है? तो अजम्पशन लिखना पड़ेगा, शुरू करिए। नोट, द टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट विल बी अपॉर्शनड, टोटल इंटरेस्ट विल बी अपॉर्शनड इन रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इन रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। अगली लाइन में लिखे, शेड वॉज कंप्लीटेड, शेड वॉज कंप्लीटेड एंड मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड इन मार्च 19। शेड वॉज कंप्लीटेड एंड मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड इन मार्च 19, ब्रैकेट में दैट इज इट टुक मोर देन 11 मंथ्स, इट टुक मोर देन 11 मंथ्स। सो इट इज ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग असेट, इट इज ट्रीटेड एज क्वालिफाइंग असेट अज्यूमिंग इट वॉज नेसेसरी, अज्यूमिंग इट वॉज नेसेसरी पीरियड, कि ये नेसेसरी पीरियड था, ये 11.5 महीने तो लगने ही लगने थे, अज्यूमिंग इट वॉज नेसेसरी पीरियड, ठीक है? नेक्स्ट, अगला पैराग्राफ, वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज नॉन क्वालिफाइंग असेट, वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज नॉन क्वालिफाइंग असेट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रक इज जनरली नॉन क्वालिफाइंग असेट, ट्रक भी नॉन क्वालिफाइंग ही होती है, पर आजकल जैसे कई जगह हालत है ही ना, आजकल कोई भी गाड़ी लेने जाओ देयर इज अ बुकिंग पीरियड, वो सेमी कंडक्टर की शॉर्टफॉल के चक्कर में, आज ऑर्डर बुक कराओ, आज गाड़ी का ऑर्डर दो, 6 महीने बाद आ रही है, 4 महीने बाद आ रही है, अगर 6 महीने सब्सटेंशियल पीरियड कह दो तो वो भी क्या हो जाती है, क्वालिफाइंग। हाँ, पर अपन जनरल रूल में क्या समझते हैं भाई, ट्रक गाड़ियाँ ये सब तो क्या होती है, नॉन क्वालिफाइंग। अपन नॉन क्वालिफाइंग मान रहे हैं, मतलब भले ही डिलीवरी नहीं आई, हो सकता है अपन ने ज़बरदस्ती ली नहीं होगी, तो इसलिए उसको क्या मानेंगे, नॉन क्वालिफाइंग। तो शुरू करो, एक्सपेंडिचर उसका इंटरेस्ट, ट्रीटमेंट, रिमार्क्स। सबसे पहला है शेड, प्लांट एंड मशीन, वर्किंग कैपिटल और ट्रक। कितना कितना खर्चा है भाई, 15 लाख? अच्छा, सो 20, 15, टोटल 50 लैक्स। ब्याज कितना लगा भाई, 9 लैक्स मान दीजिए। थ्री पॉइंट सिक्स, 2.7, हाँ, ट्रीटमेंट कैपिटलाइज, रीजन क्वालिफाइंग असेट, ये भी कैपिटलाइज क्वालिफाइंग असेट, ये चार्ज टू पी एंड एल, रीजन नॉन क्वालिफाइंग असेट, चार्ज टू पी एंड एल, रीजन नॉन क्वालिफाइंग असेट। हाँ,
इंस्टीट्यूट ने तो एकाद सॉल्यूशन एक बार तो बस इतना सा स्टेटमेंट बना के छोड़ दिया, पर ऑन अ सेफर साइड मेरे हिसाब से ऊपर ये थ्योरी लिखी हुई ठीक है कि हमने इसको क्वालिफाइंग माना है, इसको नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन 3 फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ पावर प्लांट आर गिवन बिलो। फेज ए, फेज बी, फेज सी। कैश पेमेंट इतना हुआ, ट्रांसफर ऑफ असेट इतना था, टोटल खर्चा 95 लाख, 82 लाख, 95 लाख, टोटल 2 करोड़ 72 लाख, मनी बोरोड एट द रेट 14%। फेज ए इज ऑलरेडी कंप्लीट, वेर एज फेज बी एंड सी आर इन प्रोग्रेस। हाउ बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, एक फेज कंप्लीट हो गया है, बाकी तो फेज पे काम चल रहा है। अपन ने क्या समझा था भाई, जो फेस कंप्लीट हो गया और साथ में केपेबल ऑफ बीइंग यूज होना चाहिए, पानी की टंकी लगनी चाहिए ऊपर, ठीक है, तब तो उसका कैपिटलाइजेशन रुक जाएगा। और अगर वो केपेबल ऑफ बीइंग यूज नहीं है तो उसका कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा। अब यहाँ लिखा है फेज ए कंप्लीट, हम मान लेते हैं रेडी फॉर यूज, ठीक है, उसका ब्याज तो पिनल में जाएगा, बी और सी का कैपिटलाइज होगा। पर अब तकलीफ ये है, लोन 2.5 करोड़ का लिया है 14% पे, पर फेज वाइज कितना लिया है वो तो दिया हुआ नहीं है, तो अपन वही एक्सपेंडिचर के रेशियो में मार देंगे जैसे इसमें किया, तो क्योंकि खर्चा ज़्यादा हुआ है ना, खर्चा तो हुआ 2 करोड़ 72 लाख। अब मैं 2 करोड़ 72 लाख पे तो 14% लगाऊंगा तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 2.5 करोड़ पे 14% जो ब्याज आता है तीनों में बांट देता हूँ, फेज ए वाला कहाँ चला जाएगा, पेंडल, बाकी दो का कैपिटलाइज। सो लिखिए द बोरिंग कॉस्ट विल बी अपोर्शन्ड, बोरिंग कॉस्ट विल बी अपोर्शन्ड इन रेशियो ऑफ, बोरिंग कॉस्ट विल बी अपोर्शन्ड इन रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन थ्री फेजेस। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंस फेज ए इज ऑलरेडी कंप्लीट, सिंस फेज ए इज ऑलरेडी कंप्लीट, सो इट्स बोरिंग कॉस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू, इट्स बोरिंग कॉस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L, वेर एज बोरिंग कॉस्ट ऑफ बी एंड सी विल बी कैपिटलाइज्ड। तो कितना कितना खर्चा भाई, 95 लाख्स, 82, टोटल 272 लाख्स। हाँ, ब्याज लगा कितना भाई, 250 लाख्स पे कितना, 14%। कितना हुआ भाई ब्याज, है जी 35 लाख्स। हाँ, रेशो मान दो, ट्वेल्व पॉइंट
2 2 lakhs, 5 6, ठीक है। हाँ जी, अब फेज ए वाला क्या होगा भाई? पीएनएल। और ये क्या होगा? कैपिटलाइज। और ये वाला भी कैपिटलाइज। ब्याज का कैलकुलेशन तो आपने फोर्थ फिफ्थ में सीखा ही था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, कैलकुलेशन वही है, बस ट्रीटमेंट अब सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई जेड has undertaken a project for expansion of capacity as per following details. तो एक्स वाई जेड ने एक प्रोजेक्ट लिया एक्सपांशन के लिए, डिटेल्स उसकी ये है, प्लान ये था और एक्चुअल में ये हुआ। अप्रैल में प्लान था कि 2 लाख का खर्चा करेंगे, एक्चुअल में 2 लाख हुआ। मई में प्लानिंग थी 2 लाख का, एक्चुअल हुआ 3 लाख। जून जुलाई प्लानिंग ही रह गई, खर्चा हुआ ही नहीं। अगस्त सितंबर प्लान एंड एक्चुअल दिया हुआ है। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे होगा या एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे होगा? भाई सपना आ जाएगा, हमने 100 करोड़ का लोन लिया है तो नींद से उठते ही ब्याज तो लगेगा नहीं ना। तो वैसे ही प्लानिंग आपने भले ही कर ली हो, ब्याज किस पे लगता है? एक्चुअल पेमेंट पे। तो आप कहेंगे प्लान वाला कॉलम कोई काम का नहीं है। कंपनी पे टू इट्स बैंकर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। हाँ, ब्याज 12% पर एनम है। तो आप कहीं वही जो पहले कल क्वेश्चन किए थे ना, भाई अप्रैल में 2 लाख का खर्चा किया, अगर 1 अप्रैल को किया है तो 12 महीने 12 by 12 एंड वैसे कर लेंगे। पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है इसमें, इंटरेस्ट बीइंग अंडरलाइन करिएगा डेबिटेड ऑन मंथली बेसिस। मतलब यहाँ इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंडिंग नहीं है, इंटरेस्ट मंथली कंपाउंडिंग है। पहले महीने का जो ब्याज लगा, अगले महीने बैंक उस ब्याज पे वापस से ब्याज लगाएगी। जैसे बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, पहले महीने आपका ओवरड्राफ्ट 2 लाख रुपए था, तो उस पर एक 12% पर एनम से 1 महीने का ब्याज 2000 बना, तो बैंक मंथ एंड में वो 2000 आपके ब्याज अकाउंट में डेबिट करेगी। तो अगले साल जो अगले महीने जो ब्याज लगेगा वो 2 लाख नहीं, 2 लाख 2000 पे लगेगा। और रियल लाइफ में बैंक बोरोइंग्स में यही होता है, बैंक हमेशा मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट डेबिट करती है। और ये जब आप बैंक में एफडी कराते हो, ब्याज देते वक्त एफडी में दे हैव क्वार्टरली बेसिस, 3 महीने बाद आपको ब्याज क्रेडिट करके, मतलब 3 महीने बाद ब्याज पे वापस ब्याज शुरू हो जाता है। और सेविंग अकाउंट में तो कई सारी बैंक 6 महीने में एक बार देती है, कोई 3 महीने में एक बार देती है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट चेंजेस। तो बैंक वाला कहता है ना 12% पर एनम ले रहे हैं, और हर महीने अगर वो ब्याज पे ब्याज जोड़ते जाए तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12 से भी ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे क्या हो रहा है? कंपाउंडिंग हो रहा है। अपन ने याद हो तो एक फर्स्ट क्वेश्चन जब किया था कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो उसमें था ओपनिंग बैलेंस ले कि पिछले साल तक कितना खर्चा किया था, उसमें पिछले साल तक की ब्याज कितनी कैपिटलाइज हुई थी, फिर इस साल कितना खर्चा किया उस पर रेट लगानी होती है। यहाँ पे वो वर्ड साल के बजाय क्या हो जाएगा? मंथ। पहले महीने खर्चा किया उसका 1 महीने का ब्याज जोड़ो, अगले महीने ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? फर्स्ट मंथ का एक्सपेंडिचर प्लस फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट, फिर वापस सेकेंड मंथ का खर्चा, फिर ब्याज एंड थर्ड मंथ। मतलब यहाँ यही समझ लो क्वेश्चन
चार महीने का नहीं है, चार साल का है, हर महीने का खर्चा उस पर ब्याज जोड़ा एंड सो ऑन। नाउ ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी हैड ₹10 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू जुलाई, सरप्लस कैश इन अगस्त। हाँ, कंपनी का ओवरड्राफ्ट जो था जुलाई तक 10 लाख रुपए का था और अगस्त में कैश बैलेंस था, मतलब ओवरड्राफ्ट था ही नहीं, मतलब ओवरड्राफ्ट पूरा चुका दिया। तो अगर अगस्त में ओवरड्राफ्ट ही नहीं था तो इसका मतलब ब्याज लगा ही नहीं, और अगर ब्याज लगा ही नहीं तो डेफिनेटली कैपिटलाइज भी नहीं हो सकता। अगेन ओवरड्राफ्ट ऑफ ओवर 10 लाख फ्रॉम 1 सितंबर, सितंबर से वापस ओवरड्राफ्ट 10 लाख से ज़्यादा ही था। कंपनी हैड स्ट्राइक ड्यूरिंग जून, सो कंपनी हैड स्ट्राइक ड्यूरिंग जून एंड हेंस कुड नॉट कंटिन्यू द वर्क ड्यूरिंग जून। जून में हड़ताल हो गई इसलिए जून में काम बंद रहा। हाँ, हड़ताल मतलब टेम्प्रेरी सस्पेंशन। उस महीने ब्याज लगेगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। वर्क वॉज अगेन कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई एंड ऑल द वर्क वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30 सितंबर। हाँ, अप्रैल में काम शुरू हुआ और सितंबर में खत्म हो गया। कितने महीने में? 6 महीने हुआ। अज्यूम एक्सपेंडिचर वॉज इंकर्ड ऑन 1st डे ऑफ ईच मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, गिव रीजन वेर एवर नेसेसरी। अज्यूम ओवरड्राफ्ट विल बी लेस अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो कोई कहने की बात ही नहीं है भाई। आपका एक बैंक अकाउंट है, उससे अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो ओवरड्राफ्ट क्या होगा? कम ही होगा। हाँ, कहीं ओवरड्राफ्ट तो 10 लाख का लिया हुआ, हमने खर्चा तो पहले महीने 2 लाख ही किया है, बाकी 8 लाख स्टॉक खरीदने में लगा होगा, सैलरी देने में लगा होगा, पर अगर ये 2 लाख का खर्चा नहीं करते तो ओवरड्राफ्ट 10 लाख के बजाय क्या होता? 8 लाख। इसका मतलब ये जो 2 लाख का ओवरड्राफ्ट का खर्चा है ये तो डेफिनेटली इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण है, तो उसका ब्याज तो इसी में ऐड होना चाहिए। हाँ, बाकी का जो ओवरड्राफ्ट का खर्चा है उससे अपने को लेना देना नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं आया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ केस हैव डिसाइडेड एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर विच टेक्स मोर देन 3 मंथ्स इज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, और यहाँ तो 6 महीने लगे हैं तो क्वालिफाइंग हो गया। हाँ, बाई चांस ये पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ हो तो भी आप ये मत करके आ जाना 6 महीने में कम्प्लीट हो गया, नॉन क्वालिफाइंग। फिर 5 नंबर में बेचारा देगा क्या? उस लाइन का तो 1 नंबर दे सकता है। तो अपन तो यही मानेंगे भाई, इस AS में क्वेश्चन आया, इतनी मेहनत करके क्वेश्चन बनाया है तो क्वालिफाइंग ही है, और अच्छा है 6 महीने में कम्प्लीट कर दिया। यही 12 महीने चला था तो इस क्वेश्चन में हालत ख़राब हो जाएगी, हर महीने का ब्याज, फिर वापस ब्याज, कैलकुलेशन कितना लगेगा। ओके, तो अब देखिए। हाँ, अगेन 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं कोशिश कर लूँ एक बार बनाने की प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले खर्चा कब किया अपन ने? 1 अप्रैल को कितना खर्चा किया? 2 लाख। तो अप्रैल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2000। तो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 2 लाख 2 हज़ार। फिर 1 मई को और खर्चा किया, 1 मिनट कैलकुलेटर ले, 2 लाख इंटू 12% इंटू 12/12, 1/12। ठीक है, 12% पर एनम मीन्स 1% पर मंथ। ठीक है, सबसे इजीएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होती है, आपको भले ही 10% लगती होगी। 12 महीने के हिसाब से 1% पर मंथ हो जाता है। हाँ, 1 मई को कितना खर्चा किया? 3 लाख। तो देखिए, मई में आप कहेंगे 2 लाख 2 हज़ार ओपनिंग बैलेंस, ये क्या हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस, फिर और 3 लाख का खर्चा, 5 लाख 2 हज़ार। तो मई का ब्याज मैं कितना जोड़ूंगा? 5020। तो ये हो गया 507020। हाँ, फिर जून में आप कहेंगे खर्चा ही नहीं हुआ और स्ट्राइक भी जून में ही थी। हाँ, जून में एक्सपेंडिचर तो नील था, पर आप कहेंगे ब्याज, हाँ जुड़ना तो चाहिए, पर स्ट्राइक होने के कारण आप कहेंगे हम ऐड ब्याज लगेगा, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो कितना रहेगा भाई ये? 507020, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया मेरे जुलाई के लिए। हाँ, जुलाई में क्या खर्चा हुआ भाई? जुलाई में कोई खर्चा नहीं हुआ। हाँ,
पर ब्याज तो लगा ही है। हाँ तो जुलाई का एक्सपेंडिचर तो निल है, पर इंटरेस्ट आप कहेंगे जोड़ लो भाई कितना, 5070। तो ये मेरा अगस्त का ओपनिंग बैलेंस हो गया कितना, हाँ अगस्त में एक्सपेंडिचर निल, अगस्त में एक्सपेंडिचर है क्या, हाँ 1 लाख रुपया खर्चा है। हाँ अगस्त में ब्याज निल, क्यों क्वेश्चन कह रहा, अगस्त में ओवरड्राफ्ट ही नहीं था, नो ओवरड्राफ्ट, ब्याज लगा ही नहीं तो जोड़ू कहां से, खर्चा हुआ। आप कहीं ओपनिंग वाले पे तो जोड़ दो, क्वेश्चन कह रहा है अगस्त में ओवरड्राफ्ट रीपे हो गया था तो इंटरेस्ट ही नहीं लगा, कैपिटलाइज भी नहीं, कितना हो गया भाई 6120090, फिर कितना खर्चा हुआ 7 लाख रुपए, कितना हो गया 12 13 लाख 12,090, और इस पे ब्याज कितना जोड़ दूंगा 13,121। कुल मिला के इस तरह से टेबल बनानी पड़ेगी। हाँ अब दो ऑप्शन है, या तो इसी तरह से टेबल बनाए या उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला भी आपको हो तो फॉर्मेट बना दूँ, नहीं शुरू करो तो अब ढंग से लिखो, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, एक लास्ट कॉलम और रिमार्क्स, ठीक है भाई, ब्याज कभी जोड़ रहा हूँ कभी नहीं जोड़ रहा हूँ, इसके लिए 1 अप्रैल एक्सपेंडिचर कितना किया भाई 2 लाख, 30 अप्रैल इंटरेस्ट 1 मंथ का 2,000, तो 1 मई का ओपनिंग बैलेंस 2,02,000, 1 मई को फिर से एक्सपेंडिचर 3 लाख, 31 मई इंटरेस्ट 5020, तो 1 जून का ओपनिंग बैलेंस 5,07,020। फर्स्ट जून एक्सपेंडिचर निल, 30 जून इंटरेस्ट निल, हाँ ब्याज क्यों नहीं जोड़ रहे हैं भाई, स्ट्राइक, रिमार्क्स में लिख दिया भाई स्ट्राइक था इसलिए ब्याज नहीं जोड़ेंगे, तो 1 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस हो गया 5,07,020। 1 जुलाई, हाँ खर्चा कुछ भी नहीं हुआ भाई जुलाई में, तो टोटल इज 5,07,020। 31 जुलाई इंटरेस्ट 5,070। 1 अगस्त का मेरा ओपनिंग बैलेंस
हाँ जी हो गया यहाँ तक। फिर 1 सितंबर एक्सपेंडिचर 7 लाख रुपए का टोटल हो गया, 13,12,090। 30 सितंबर इंटरेस्ट 13,121, तो टोटल कॉस्ट 1 अगस्त में ओवरड्राफ्ट था ही नहीं, और सितंबर में क्वेश्चन लिखा है ओवरड्राफ्ट वापस ओवर 10 लाख था। अब एक पॉइंट और, अगर क्वेश्चन लिख देता ओवरड्राफ्ट 10 लाख का ही था तो ब्याज 13 लाख पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? 10 लाख, तो कैपिटलाइज भी फिर 10 लाख का 1% 10 जारी करते। पर यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया है अंडरलाइन कर दीजिएगा, ओवर 10 लाख। ओवर का मतलब 10 से ज़्यादा ही था, मैं मान रहा हूँ 13 लाख से ज़्यादा ही होगा, इसलिए पूरा 13,000 निकाल लिया। भाई ब्याज तो जितना लगेगा उससे ज़्यादा कैपिटलाइज तो हो नहीं सकता, यहाँ कैपिटलाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि लगा नहीं। यहाँ इतना क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं मान रहा हूँ ओवरड्राफ्ट 13,12,000 से ज़्यादा था। ओके तो ये मंथली कंपाउंडिंग मतलब अपने लिए ये समझ लो, मंथ एंड इज ईयर एंड, तो पहले महीने खर्चा किया ब्याज जोड़ा, समझ लो ईयर एंड हो गया, तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, अगले साल का खर्चा, फिर वापस ब्याज जोड़ा, खर्चा किया ही नहीं, ब्याज लगेगा पर जुड़ा नहीं, क्यों? कि स्ट्राइक। ये वाला ब्याज कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में। ब्याज लगेगा जाएगा कहाँ? पीएनएल में। और वैसे भी हर महीने ब्याज लग तो 10 लाख पे रहा है, कैपिटलाइज तो 2,02,000 रन यही हो रहा है, बाकी का वैसे भी कहाँ जा रहा है? पीएनएल के अंदर। ठीक है चलिए जी, आज इतना ही।